हमारे साथ राजकुमार पाल हैं। भारतीय टीम हॉकी ओलंपिक में कांस्य पदक जीत चुकी है और जीतने के बाद राजकुमार पाल उसी ग्राउंड पे मौजूद हैं जहां कि उन्होंने 9 साल की अवस्था में हॉकी खेलना शुरू किया था। हम बात करेंगे कैसा महसूस कर रहे हैं अपने उसी ग्राउंड पे आके, अपने उसी ग्राउंड पे कांस्य पदक के साथ। राजकुमार पाल कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या लगता है सर, कैसा महसूस हो रहा है? फिर महसूस तो काफ़ी मतलब वो हो रहा है मुझे कि मैं यहीं से खेला और यहाँ गाँव के लोग मुझे आए, इसमें मैं क्या कुछ बता नहीं सकता, इतना खुशी हो रही है मुझे। और बस यही कहना चाहूँगा कि हम लोग का जो मेडल था वो फाइनल पहुँचना टीम थी बट हो नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली, बट ये कहना चाहूँगी मैं नेक्स्ट ओलंपिक में हमारी टीम काफ़ी और अच्छा कर सकती है ओलंपिक में। क्वार्टर फाइनल में आपके गोल की वजह से शानदार गोल आपने किया था और टीम सेमीफाइनल में पहुँची थी, सेमीफाइनल में हार की कुछ कसक रह गई। हम लोग ये हमारी मेरी मेरे वजह से नहीं पूछी, ये टीम पूरा एफर्ट है, इसमें टीम गेम है, किसी पर्सनल लोग का नहीं, बट हाँ उसमें मैं थोड़ा फिनिशिंग में किया लास्ट में तो थोड़ा है, बट ये टीम एफर्ट का। और जो सेमीफाइनल में हम लोग था उस दिन हम लोग का शायद बैड लक था और काफ़ी अच्छा खेल के हम लोग हारे, तो उसमें कुछ हम लोग का कमी है, जो हम लोग का रेड कार्ड हुआ था मित्र रोहिदास को, वो हम लोग को शायद प्रॉब्लम कर गई रेड कार्ड अमित रोहिदास का जो हुआ था, उस वजह से हम लोग थोड़ा लूज़ कर पाए, जो पीसी डिफेंस हम लोग का स्ट्रांग था वो थोड़ा कम हो गया था। आज आपने अपना मेडल अपनी माँ को समर्पित किया, स्वर्गीय तेज बहादुर सिंह को समर्पित किया, जिनके हाथों से ये सजाया बनाया गया स्टेडियम है जिस पे खेल के आप इस लेवल तक पहुँचे हैं, किसको धन्यवाद करना चाहेंगे इस अपनी उपलब्धि के लिए? मैं धन्यवाद सबसे पहले स्वर्गीय तेज बहादुर सिंह करना चाहूँगा, जो मैं स्टार्ट किया था उस टाइम जब थे वो, तो मैं उस टाइम तो उतना बड़ा नहीं खेला था टूर्नामेंट कोई, बट इंटरनेशनल था तो उस टाइम ही मुझे काफ़ी बोले कि बहुत मेरा नाम कर दिए, तो उस टाइम अगर वो होते इस टाइम तो काश मैं वो देख पाता कि काफ़ी अच्छे खुश होते, और मेरे से मैं यही दुआ करूँगा कि वो उनको आत्मा शांति मिले, देख रहे हैं उनके ही कृपा है कि हम यहाँ पे मेडल ले आए। एबीपी न्यूज़ की तरफ से आपको और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, और अब गाजीपुर ओलंपियन राजकुमार पाल के नाम से जाना जाने लगा है, क्या कहेंगे? मैं बस यही है कि हाँ मेरे गाजीपुर से भी कोई ओलंपियन नहीं है, मैं हूँ और मेडलिस्ट हूँ, बट यही कहना चाहूँगा कि बस हमारे जो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा मेरे करमपुर ग्राउंड का जो है ये, इसके लिए इसी से मैं सब कुछ हूँ, इस यही से मेरा स्टार्ट है, यही से मैं करना चाहूँगा सब कुछ, सबको धन्यवाद। तो हमारे साथ राजकुमार पाल थे जिन्होंने इसी ग्राउंड से अपने खेल की शुरुआत की थी और आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। गाजीपुर से एबीपी न्यूज़ के लिए आशुतोष त्रिपाठी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।